हाँ तो भाई कैसे हो सारे। तो पहले बातचीत करते हैं। अपने हनी पाजी को जो है 1.5 साल पहले धमकियां मिली थी, थ्रेट्स आए थे लॉरेंस बिश्नोई का, जो खास आदमी है, जो कि मास्टरमाइंड भी है सिद्धू मूसेवाला का, जो सीन हुआ था उसका, जिसका नाम है गोल्डी ब्रार, उसकी साइड से। अपने हनी पाजी से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको बस पैसों की ज़रूरत थी, दैट्स बाय उन्होंने हनी पाजी को धमकी दी थी और कहा था मुझे पैसे चाहिए है, मुझे अपनी गैंग्स चलानी है। गुड न्यूज़ ये है कि भाई साहब पेले गए हैं, भाई साहब का कांड हो चुका है, ये चेक कर सकते हो स्क्रीन पर, पॉज करके पढ़ सकते हो। My brother, yo, honey singer. सुनो everybody, मेरे पास सब बीट बजाओ, शोर मचाओ। आगे बातचीत करते हैं। रफू भाई, ये जो बंदा है कितना ज़्यादा विश्रम है, तुम सबको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है भाई। लिटरली इस बंदे का तो भाई कुछ काम ही नहीं चलता हनी पाजी के नाम के बिना, और कितनी अटेंशन लेगा भाई। मतलब हनी पाजी भाई जीरो भाव देते इसको, जीरो। लेकिन ये इतना गिरा हुआ है, मतलब जो गिरा हुआ वर्ड है वो इसी पे शूट करता है। अब इसके कुछ चमचे हैं समय रहना वगैरह, जो कि लाइव स्ट्रीम वगैरह करते रहते हैं, और भाई ये जो मास्टर प्लान होते हैं ना भाई, ये खुद रफू के होते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो और भाई इससे हाइप बनेगी और फिर मैं जल्दी से कोई प्रोजेक्ट निकाल लूँगा, है ना। क्योंकि हनी पाजी का भाई नाम सबको पता है, उनका नाम ही काफी होता है। तो ये वीडियो चेक करो तुम। यो रफ्तार भाई, व्हाट्स अप? मदद मिलेगी। मेरे साथ है नीरज गोयल भाई, इंडियाज़ नंबर वन बॉक्सर। रफ्तार भाई, अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। करोगे आप बॉक्सिंग? करोगे? कौन है मेरा ओपोनेंट? अभी मैं कॉल करके देखता हूँ भाई। हनी सिंह का नंबर होगा आपके पास? बाकी इस वीडियो की वजह से जो है इस बंदे पे काफी ज्यादा मीम्स बन रही हैं। इसके अलावा ग्लोरी ईपी से रिलेटेड कोई बड़ी खास अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये तो भाई जैसा कि सबको पता है कि विनोद वर्मा मिक्स एंड मास्टर करने वाले हैं भाई ग्लोरी ईपी को। तो उनकी साइड से आज एक स्टोरी आई थी, ये चेक कर लो। इसके अलावा चार दीवारी ने भी हनी पाजी के बारे में बातचीत करी है, तो देख लो। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। What happened to life after the हनी सिंह video? Real? Did it change drastically? Drastically तो नहीं पता, but change तो हाँ। मैं बहुत grateful हूँ कि ये बहुत random था, मेरे को भी we went हुआ to क्या था, actually? हाँ। कैसे? तो अब उद्भव करुण जो है तो वो दे नो हनी सिंह, दे नो लाइक सदूर का कुछ रिश्ता टाइप, एंड उनको दे वांटेड टू कॉल टू अ पार्टी वंस, एंड सीन ये हुआ कि दे वर लाइक कि आपके साथ साथ जो लौंडे हैं उनको भी बुला लो, एंड उद्भव करुण नहीं चले, हम जो बाकी पंटर थे लेफ्ट ओवर्स वो चले गए हनी सिंह के घर क्रिसमस पे। ठीक है, वहां गया मैं और मुझे पता लगा कि हनी सिंह भाई ने मेरे ऑलमोस्ट सारे गाने सुन रखे थे, which was a very big shock to me. And how do you know? Did he tell you? He told me, and उनके साथ कोई उनके दोस्त थे भी, दोस्त भी थे, उनको वो बारूद की म्यूजिक वीडियो दिखा रहे थे, तो मुझे वो देख के लगा कि अरे ये कैसे हो रहा है टाइप चीज। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने उन्होंने झाग सुन रखा था, उनको बहुत पसंद आया था, उन्होंने बोला कि एक रील बनाते हैं चल। बोला ठीक है बनाते हैं। बोला कि स्पीकर पकड़ तू या वीडियो खड़ा, उन्होंने बोला कि ऐसा वीडियो बना, वीडियो बना, और फिर बनाया और फिर मस्त डाल दिया फुल। What happened next? हाँ, and then क्या कहते हैं, he also like tagged me in it, and तो my phone started blowing up, ठीक है, and I remember उस समय I texted यशराज also कि भाई ये हो गया है, ऐसा ये मैंने डाल दिया, ये सही लग रहा है ना, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा। तो वो पहले तो बहुत सरप्राइज हो गया बहुत समय कि ये क्या है, ऐसा ये कैसे हो गया। फिर कहता हाँ सही लग रहा है, एंजॉय कर। तो फिर हम ठीक है चले जाते हैं। तो फिर चिल करा हमने हनी सिंह भाई के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं मुझे वो।